अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ। और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों, सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों, मूवी बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारागर्दी करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है
वो मतलब जुड़ जाती है, फिर क्या से वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। सरमल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है, क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यू सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यू सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की, एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, आहा पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है
प्रॉब्लम पर आपको मोबाइल डेटा पूरी तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारा हरकत करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है, क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो YouTube पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल जहा,
कृष्णा कोकाडी, यश बोझवानी, चेतन चिटनीस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में है। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर क्या से वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है।
और अभी हम बात करते हैं मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयालम मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज़ है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह, कोमल जबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिन पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज़ सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज़ सेंसर कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको यह मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है
जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रेटर्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, आहा पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलयाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बुजवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। पर आपको मैं बता दूँ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवारा करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुट जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है
क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूएस सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर, आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक, और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे, और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और वो Disney+ हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, आहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों, सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों, मूवी एक बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है, और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है, और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है।
इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ परफेक्ट है। सरमल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे।
हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारा गर्द करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है, फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यू सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यू सेंसर कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है।
मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड क्राफ्ट है, इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बुजवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है, इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवारा हरकत करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे।
वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयालम मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इश्वाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। बेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारागर्दी करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो US सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे US सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को UA किया गया है। खैर आप इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं, TV पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ।
मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह, कोमल जबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों, सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों, मूवी एक बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है।
मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं, और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। सरमल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है, क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूएस सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर, आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक, और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे, और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है, और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है, और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है।
दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है, फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुट जाती है, फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है, क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूएस सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर, आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज़ है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों, सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है।
दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है, और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवर अगर पड़ता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर क्या से वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं, और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है, क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक, और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी, जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज़ है।
पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह, कोमल जबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिन पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें।
तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मग्नेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयालम मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। पर आपको मैं बता दूं, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुट जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो US सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे US सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को UA किया गया है।
खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक, और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी, और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे, और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, आहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिदनीस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था, और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है, और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है, और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारा गर्द करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है,
फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है, फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। सरमल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो YouTube पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह, कोमल जबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी एक बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है
कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। बेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, आहा पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सर्वे, राधा सागर, इशफाक सिंह,
कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूँ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकतें करता है, आवारा गर्द करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुट जाती है, फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूज़ सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूज़ सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो
डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, अहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलयाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवारा गर्द करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है, फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है, फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूएस सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है।
इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप पेटर्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ, आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं, यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी। और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलयालम मूवी को देखना चाहते हैं तो वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इश्वाक सिंह, कोमल जबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। पर आपको मैं बता दूं, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवर अगर करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है, जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा, जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है।
क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है, बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यूएस सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यूएस सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ, और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे, पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो, फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं, तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है, जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है, और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूं यह मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का, जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी, और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में, तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छे भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी, शर्मिन सहगल, प्राची कदम, चिन्मय सुर्वे, राधा सागर, इसवाक सिंह, कोमल चबरिया, समीर धर्माधिकारी, सोनल झा, कृष्णा कोकानी, यश बोझवानी, चेतन चिटनिस, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है, मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी। चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मजा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है, और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वे शराब पीता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवारागर्दी करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और CA की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से
मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नजरिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुट जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ परफेक्ट है। सरमल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो यू सेंसर्ड हुआ था पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे यू सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार मूवी लेकर आ चुका हूँ और आज हम यहाँ पर इसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलाल। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो का एंड तक और मैं आपको यहाँ पर इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इसे एंड तक नहीं देख पाएंगे पर अगर आप इसे थोड़ा बहुत देखते हैं तो भी आपको ये मूवी ज़रूर मिल जाएंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो मलाल मूवी है वो 2019 में रिलीज़ की गई और हिंदी में रिलीज़ की एक बॉलीवुड की मूवी जिसके अंदर आपको रोमांस और एक्शन दोनों ही देखने को मिल जाता है। इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत सारे ऐसे सीन है जिनसे बहुत ही बढ़िया व्हाट्सएप रील्स या फिर रील्स बन सकती है। हो सकता है कि आपने उन्हीं रील्स को या फिर उन्हीं व्हाट्सएप रील्स को देखा हो फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम पूरी मूवी को देखें। तो जी हाँ आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। तो कहाँ पर कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। रेटिंग भी मूवी की काफ़ी अच्छी आई है। जो IMDB है वहाँ पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली थी और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हुए हैं। जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी लगभग 60% लोगों ने इसे लाइक किया है और इस मूवी के डायरेक्टर जो थे वो मगनेश हडवाले रहे थे और मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर यशराज फिल्म्स थे। वैसे मैं आपको बता दूँ ये मूवी ऑफिशियल रीमेक है 7G रैम्बो कॉलोनी का जो कि 2004 में रिलीज़ की गई एक ड्रामा और रोमांस से भरी हुई तमिल मूवी थी और इसी मूवी का यहाँ पर रीमेक बनाया गया है। अगर आप उस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है आहा पर भी उपलब्ध है। पर अभी हम बात करते हैं मलाल मूवी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप लोग जो है वो मलाल मूवी को देखना चाहते हैं वो भी हिंदी भाषा में तो यूट्यूब पर आपको ये मूवी नहीं देखने को मिलेंगी जिसकी वजह टी सीरीज़ है। पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी अवेलेबल है वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है कहीं और से देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नई नई मूवीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है वो कमाल की फिल्में जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। मूवी के गाने बहुत ही बढ़िया है और शायद ये आपको अच्छी भी लगे। मूवी के अंदर जो लीड कास्ट है इसके अंदर आपको जो है मिजान जाफरी शर्मिन सहगल प्राची कदम चिन्मय सुर्वे राधा सागर इसवाक सिंह कोमल चबरिया समीर धर्माधिकारी सोनल झा कृष्णा कोकानी यश बोझवानी चेतन चिटनिस ऐसे यहाँ पर बहुत सारे किरदार मूवी में हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पर जो भी किरदार है इन सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। दोस्तों मूवी बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को काफ़ी समय पहले देखा था। ये मूवी दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी पर आपको मैं बता दूं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों फ्लॉप रही थी। जितना कलेक्शन होना चाहिए था इतना कलेक्शन नहीं हुआ था और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ी जो है वो फ्लॉप रही थी।
चलिए कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपका जो है वो फिल्म देखने का मज़ा थोड़ा बहुत बना रहे। हालांकि इसके मिक्स रिव्यू आए थे, कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा था, कुछ लोगों ने बुरा कहा था, पर जो भी लोग थे वो अपनी ही खुद की पसंद बता रहे हैं। दरअसल इस मूवी के अंदर एक चौल है और चौल में शिवा नाम का एक लड़का रहता है, कहे तो इस मूवी का ही हीरो है। अब वो जो है शिवा जो है वो फिल्म पर आपको मोबाइल टपोरी की तरह ही दिखाया गया है और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं है। वेसरा पिता है और अलग अलग ऐसी हरकत करता है, आवारा हरकत करता है। उसके पड़ोस में एक लड़की है आस्था, यानी कि शर्मिन सहगल, वो अपने परिवार के साथ रहने आती है। दरअसल आस्था के पिता का स्टॉक बिजनेस में लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वे चौल में रहने आ जाते हैं। शर्मिल पढ़ी लिखी है और सीए की तैयारी कर रही होती है। शुरुआत के दिनों में दोनों के बीच में खूब नोकझोंक होती रहती है जिसकी वजह से मराठिया में उत्तर भारतीय लोगों को लेकर नकारात्मक नज़रिया है। इस वजह से शिवा को ये पसंद नहीं आता है कि आस्था का परिवार उसके पड़ोस में रहने आया है। शिवा और आस्था के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती है वो आगे जाकर प्यार में बदल जाती है। दोनों का रहन सहन परिवार सब कुछ ठीक अलग होता है। फिर वह घिसी पिटी कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे लड़की और लड़के को सुधारने का और अच्छा इंसान बनाने का जो है वो मतलब जुड़ जाती है। फिर कैसे वो लड़की है लड़के को अच्छा बनाती है, ये आपको मूवी में आगे देखने को मिलता है। फिल्म में दोनों को आगे आने का और फिल्म में दोनों को आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना पड़ेगा जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मिजर मराठी लड़के के किरदार में खूब जम रहे हैं और उनका जो बोलने का लहजा है, हाव भाव है और बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ परफेक्ट है। शर्मिल की बात करें तो वो यहाँ पर मासूम लग रही है और उनके किरदार में एकदम फिट बैठ रही है। मेरे हिसाब से इस मूवी को फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई ख़राब सीन नहीं है। बस यहाँ पर दोस्तों दिक्कत इस बात की मुझे लग रही है क्योंकि इस मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन था वो US सेंसर्ड हुआ था, पर ये जो फिल्म बन के आई है इसे US सेंसर्ड कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर रोमांटिक सीन ऐड हुए है, इसके चलते शायद मूवी को यूए किया गया है। खैर आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं, टीवी पर भी ये मूवी अक्सर आती रहती है, पर अगर आप इसे अभी देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आपको मिल जाएगी।